हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट सेज द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू t एंड y इक्वल टू t माइनस t स्क्वायर। देन मैच मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे कहा गया है पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल से और वो एक पर्टिकुलर मोशन कर रहा है और ये मोशन की इक्वेशन हमें दी गई है x इक्वल टू t एंड y इक्वल टू t माइनस t स्क्वायर। तो हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एक्सेलरेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट अटेन कैलकुलेट करना है और मैच करना है। सो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, हियर ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो लेट्स से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको आप किसी एंगल से हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए किसी एंगल से प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा, ठीक है, और वो भी केवल जी के अंडर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ओब्लिक्यूली यानी एक पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट करवाया हॉरिजॉन्टल से, तो उसने टू डायमेंशनल मोशन कवर किया ओनली अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन जी। तो इस तरीके की मोशन को हम पैराबोलिक मोशन कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट नोट करने वाली। सबसे पहली बात, अगर हमने ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा यू साइन थीटा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा। मैक्सिमम हाइट पर जब कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो लेट्स से ये एच मैक्स है, तो यहाँ पे जो है केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्ट कर रही है यू कॉस थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर इक्वेशंस जो है वाई एक्स के अलॉन्ग वो है यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो यहाँ पे जो जी है वो माइनस जी टी स्क्वायर आएगा। यू वाई जो है वो वाई कॉम्पोनेंट है और वेलोसिटी का, और यहाँ यू वाई कितना है यू साइन थीटा। इसी तरीके से ये जो टी है ये टोटल टाइम है, कितना इसको पूरा प्रोजेक्टाइल को दोबारा से ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम रहेगा, टाइम ऑफ लाइट वो टी है। और इसी तरीके से एक्स एक्सिस के अलावा जो इक्वेशन होगी वो भी यू इंटू टी यू एक्स, और यहाँ यू एक्स क्या होगा यू कॉस थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें जो इक्वेशन दी गई है, पहली x इज इक्वल टू टी एंड दूसरी y इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर, राइट। सो अब हम यू एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यू एक्स इज इक्वल टू dx by dt is equal to 1 and uy is equal to dy by dt is equal to 1 minus 2t, ठीक है। सो अगर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है उस पॉइंट पर, सो उसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे लेट्स से ये बॉल है और ये पॉइंट ओ है जिस जहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, तो ओ विल बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट पर टाइम क्या होगा, जीरो, तो यू एक्स क्या हो जाएगा वन और यू वाई कितना हो जाएगा वन, टी जीरो हो जाएगा यहाँ। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी यू वो कितनी होगी, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, तो हम वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कर सकते हैं और रूट टू हमारा आंसर आएगा रूट टू मीटर पर सेकेंड। तो जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी है, रूट टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर मैक्सिमम हाइट पूछी गई है क्वेश्चन में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है, ठीक है। सो वर्टिकल हाइट कितना हमने कैलकुलेट किया है फॉर सेकेंड पार्ट,
dy is equal to 1 minus 2t है और ये 0 हो जाएगा. So 1 is equal to 2t and t is equal to 1 by 2. So ये जो टाइम है ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर कितना टाइम होगा वो है. तो यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं t is equal to half पर, तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी बॉल की. तो u y is equal to t minus t square है. So let's put it half minus 1 by 2 का whole square equal to 1 by 2 minus 1 by 4 is equal to 1 by 4. So y max is equal to 1 by 4 meter. तो ये आ जाएगी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, सेकंड रिजल्ट. ठीक है, ऐसे ही थर्ड रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. लेट्स से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट थी, अभी जिस तरीके से हमने देखा कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर टाइम हमारा कितना आ रहा था 1/2, जो कि हमने uy को 0 करके कैलकुलेट किया था. अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो हमें इसका ट्वाइस कर देना होगा. सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू 2t हाफ. लेट्स से ये हाफ हाइट, हाफ डिस्टेंस पे या फिर मैक्सिमम हाइट पहुंचने वाला टाइम t हाफ है, तो इसका ट्वाइस कर देंगे. तो t टोटल टोटल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/2, तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड. सो ये पार्ट 3 हो गया. अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. अभी जो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल है वो मूव तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी के अंदर कर रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पर वैल्यू जो है जी की वो चेंज होती है. सो मैक्सिमम जो पर्टिकुलर वैल्यू मैक्सिमम हाइट पर एक्ट कर रही होती है वो जी होती है. बाकी जैसे जैसे एंगल चेंज होता है वैसे जैसे जैसे जी का कॉम्पोनेंट भी चेंज होता है. तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. हम ये बात जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स डायरेक्शन. लेकिन y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा उसके लिए हमें यू वाई निकाला, जो कि 1 माइनस 2 टी आया था. यहाँ देखिए 1 माइनस 2 टी आया था. अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा y डायरेक्शन में. सो कितना होगा 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2. अब ए एक्स के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और ए वाई के अलॉन्ग माइनस 2 है, तो नेट एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट. तो ये कितना आ जाएगा 2. सो एक्सेलरेशन कितना कैलकुलेट होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये है आपका फोर्थ रिजल्ट. सो जो इक्वेशन हमने ऑप्टेन की है उनको लिख लेते हैं. सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो हमने सबसे पहले निकाला था वो है रूट 2 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड इज, सेकेंड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन हमने सबसे लास्ट में निकाला है और वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम टेकन. सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ठीक है, और फोर्थ पार्ट है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड. तो जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होगी वो 1/4 मीटर है.
ये हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से हम मैच करवा सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v जो था √2 था, तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन, देन v थर्ड, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम ऑफ फ्लाइट 1 है और मैक्सिमम हाइट अटेंड इज 4, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।